चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म को इमोजी शेप में काट कर ढक्कन पर चिपका लें, इस तरह से। ये पुराने ढक्कन जो हमारे पास पड़े होते हैं, देखिए इस तरह से मैंने काटे हैं। अब कार्डबोर्ड को गोल काट कर ये कलर शीट पिज्जा शेप में काट कर चिपका लें, इस तरह से पूरे राउंड राउंड। अब इमोजी स्टैम्प पर ब्रश कलर से कलर कर दें इस तरह से, फिर इसको ठाप दें इस तरह से। देखिए इस तरह से हम जितनी भी इमोजी बनाई हैं सबको हम राउंड राउंड ठाप देंगे इस तरह से। इमोजी के साथ फीलिंग भी लिख सकते हैं, जिससे हमें पता चले हमारा मूड कैसा है आज। देखिए ऐसे। अब बनाते हैं नोटबुक। घर के पेपर से नोटबुक बना के तैयार कर लेंगे इस तरह से। इसको चिपका देंगे अच्छे से, फिर इसके बाद हम इस पर इमोजी स्टैम्प लगाएंगे इस तरह से। देखिए ये कूल वाली हमने इमोजीज पे ऐड कर दी, और इस पर एक नाम मेंशन कर देंगे इस तरह से। इट्स रेडी। अब बुकमार्क के लिए हेयर पिन पर हम ऐसे दो पेपर राउंड राउंड चिपका देंगे। अब हम इस पर इमोजी स्टैम्प लगाएंगे जो आपको पसंद हो। इस तरह से हमारा ये बुकमार्क तैयार है। इस तरह से हम ग्रीटिंग कार्ड भी ऐसे स्टम्प इमोजी जो भी हमने बनाई हो उसको लगाकर हम ग्रीटिंग कार्ड तैयार कर सकते हैं, स्कूल के टीचर्स के लिए, चाहे अपने फ्रेंड्स के लिए बनाकर दे सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं कंप्लीट। देखिए ऐसे। लास्ट पेंसिल टॉपर के लिए कार्डबोर्ड शीट को हम ऐसे राउंड काट लेंगे, फिर एक के ऊपर एक चिपका कर इस पर पेपर येलो लगा कर इस पर इमोजी स्टैम्प लगा देंगे। जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये पेंसिल टॉपर रेडी है, और हम लिखकर देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।